चलिए स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, यानी आज हम आपको अपने वर्किंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, अपने स्टडिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे कि हमारा जो टीचिंग का जो शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा। तो हमारा टीचिंग का शेड्यूल रहेगा, तो उस शेड्यूल को स्टूडेंट्स हमने 7 ग्रुप में डिवाइड किया है। 7 ग्रुप से मतलब है कि जो चैप्टर हमारे एक एक सिस्टम मतलब एक एक शेड्यूल के अंदर हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में हमने डाल दिया है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में हमने रखा है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अंदर जैसे कोई भी एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, उनका बिहेव कैसा होता है, किसी भी सब्सटेंस में इनका बिहेव कैसा होता है, उस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपने इलेक्ट्रिसिटी की खोज कैसे हुई है, किसने की है, इस सब चीज की चर्चा हम इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी के बारे में करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना जो ग्रुप सेकंड है उसके अंदर गाइस हमने डीसी थ्योरी, एसी थ्योरी, मैग्नेटर, कैपेसिटर को रखा हुआ है। इसको क्यों रखा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो डीसी थ्योरी, एसी थ्योरी, मैग्नेटर, कैपेसिटर है, ये माना जाता है कि ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी का ये एक बेस है। अगर ये बेस हमको क्लियर है तो हमको कहीं भी किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रकार की ना तो कभी दिक्कत आएगी, ना ही उसको समझने में, ना ही किसी भी चीज में कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी हमको। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हमारा डीसी थ्योरी और मैग्नेट वाला चैप्टर क्लियर है तो इसमें थोड़ा सा और ऐड करके वो सीधा पूरा की पूरा डीसी मोटर और जनरेटर के अंदर होता है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में होता क्या है, वही डीसी थ्योरी होती है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, वो सब होते हैं। इसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा और ऐड होती है एक मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट और डीसी थ्योरी जब आपस में ऐड होते हैं तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर वाला पार्ट है वो मतलब आधा सा क्लियर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एसी थ्योरी और मैग्नेट की, तो हम जैसे पढ़ेंगे एसी थ्री फेज और सिंगल फेज मोटर, तो इसको पढ़ने से पहले हमको जानकारी चाहिए कि एसी थ्योरी क्या होती है और मैग्नेट क्या होती है। अगर हमको एसी थ्योरी और मैग्नेट के बारे में अच्छी जानकारी है तो एसी की थ्री फेज और सिंगल फेज मोटर को समझने में हमको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक रहा ट्रांसफार्मर, उसी का भी सेम है। अगर एसी थ्योरी और मैग्नेट वाला चैप्टर हमको बिल्कुल क्लियर है, इसका जो भी थ्योरी एसी की है और जो भी थ्योरी मैग्नेट के लिए है, अगर ये हमको बिल्कुल क्लियर है तो ट्रांसफार्मर को समझने में हमको कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही अल्टरनेटर को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये चारों की चारों पार्ट हमारे क्लियर है, ठीक है। और वही सिस्टम होता है सिंक्रोनस मोटर के लिए, कि मोटर का कोई भी पार्ट हो, अगर एसी डीसी और मैग्नेट और कैपेसिटर, अगर ये चार पार्ट हमारे क्लियर है तो मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर, इन वाले चैप्टरों में हमको कभी भी कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी गाइस, इसमें एक यूनिवर्सल मोटर और रह गया है, यूनिवर्सल मोटर भी इन्हीं का एक पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन थ्योरी का होगा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में हम बताएंगे, इसके बाद डीसी थ्योरी, फिर एसी थ्योरी, फिर मैग्नेट और कैपेसिटर, यानी कि हम ग्रुप टू को क्लियर करेंगे। ग्रुप टू जैसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम लेंगे थ्री फेज सिस्टम को। थ्री फेज सिस्टम को हमने ग्रुप थ्री में रखा हुआ है। इसके बाद जो ग्रुप फोर होगा वो होगा आपका मशीन वाला चैप्टर, यानी कि इसमें केवल हम मशीन के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि डीसी मोटर, जनरेटर रहा, एसी की थ्री फेज सिंगल फेज मोटर रही, ट्रांसफार्मर रहा, अल्टरनेटर रहा और सिंक्रोनस मोटर रही, और इसके अलावा ये यूनिवर्सल मोटर रही, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हो जाने के बाद हम पढ़ेंगे एसी टू डीसी कन्वर्जन, यानी कि हाउ टू चेंज एसी टू डीसी, ठीक है। और इसके अलावा एक इन्वर्टर होता है, यानी कि इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये क्या काम आता है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हो जाने के बाद हमारा आता है ग्रुप नंबर 6 पे बाइंडिंग, इनकी बाइंडिंग के बारे में हम बताएंगे, यानी कि एसी जो सिंगल फेज थ्री फेज जो मोटर होती है उसमें कितने प्रकार की बाइंडिंग की जाती है, कौन कौन सी बाइंडिंग होती है, कौन सी बाइंडिंग का एडवांटेज क्या है, कौन सी बाइंडिंग का सिस्टम क्या होता है, कौन सी बाइंडिंग कब की जाती है, कौन सी बाइंडिंग कब की नहीं जाती, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो लास्ट सेशन रहेगा वो रहेगा इल्यूमिनेशन का, यानी कि प्रदीप्ति का। इस प्रदीप्ति वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि ट्यूबलाइट्स क्या होती है, बल्ब क्या होते हैं, कौन कौन से बल्ब होते हैं, और स्ट्रीट लाइट्स के लिए कौन से बल्ब यूज होते हैं, यानी कि इसमें हम केवल केबल और केवल बल्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।
ये जो होता है गाइस स्टूडेंट्स, ये अपनी इलेक्ट्रिकल थ्योरी का चैप्टर है पूरा, यानी कि इलेक्ट्रिकल थ्योरी का एक सिलेबस है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी के मेन मेन पॉइंट है वो सब कवर अप है। इसके अलावा और भी है, यानी कि डोमेस्टिक अप्लायंस हो गया, घर में जो भी चीज काम में आती है, जैसे कि हीटर रहा, कूलर रहे, पंखे रहे, उनके बारे में भी है। इसके अलावा अपना ट्रांसमिशन रहा, डिस्ट्रीब्यूशन रहा, और जनरेशन सिस्टम रहा, ठीक है, ये भी चैप्टर है, इनके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, ये जो ग्रुप 7 जो है, जो भी चैप्टर हमने ग्रुपों में बांटे हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी इनकी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत हो तो हम मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे पहले की जो हमने गाइस वीडियो बनाई थी, जो क्यूब इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला जो प्रॉब्लम थी वो हमने जो सॉल्व करवाई थी, अगर उसके अलावा उसके दो टाइप्स के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो एक बार मेरे को कमेंट करके बता दें। और इसके बारे में और भी अगर डिटेल में जानकारी हम आपको डीसी थ्योरी के अंदर देंगे। ओके गाइस।